मैं शेख रजा जावा आपका अपना स्टॉलरब की अलेवन टू सेवन जून आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा ये उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे आपका अपना रूलिंग प्लान बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट पे जायचि ग्यारहवें घर में मौजूद है और सोने पर सुहागा आपके फर्स्ट हाउस में मार्स है बहुत अच्छी कंडीशन में होता है यहाँ पे और फिर वीनस भी जो है वो लियो में आ चुका हुआ है सो ये आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त पोजीशन जो है वो प्लैनेट्स की बनी हुई है सबसे पहले तो बात करूँगा आपके अपने रूलिंग प्लैनेट पर ग्यारह घर में रहते हुए ये पूरा फोकस करवा रहा है आपको कि आपने जो सोचा हुआ है जो आपके टारगेट्स हैं जो आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप पूरी सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं पूरी डिटर्बिनेट है आप कि आपको अपने गोल्स जो है वो अचीव करना है आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने दोस्तों दोस्त अहबाब का भी भरपूर साथ ले रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपको जो है वो अच्छी बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं अब देखने की बात यह है कि ये तो एक साइड है दूसरी साइड क्या है दूसरी साइड ये है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि एज में आपकी वालद के जितने या कोई आपके वालद के जो मैटर है उनसे भी आपको बड़े फ़ायद का असूल जो है मुमकिन होगा फिर ग्यारहवें घर का लॉर्ड जो है वो एक स्टेप पीछे है लेकिन ग्यारह तारीख को वो भी ग्यारहवें घर में आ जाएगा इस तरह आपके बहुत सारे मामला बेहतर होते चलेंगे सबसे पहले जो एक बड़ी पॉजिटिविटी आएगी वो ये आएगी कि आप बड़े ही फोकस्ड हो जाएंगे जहाँ पे अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वहीं पे आप इस सूझबूझ का भी मुजाहरा करेंगे कि आपको किन कामों को प्रायोरिटी पे रखना है पहले कौन से करने हैं और फिर बाद में कौन से करने यानी आप इसके ऊपर पूरे अनलाइनड हो जाएंगे कि भई मुझे ये ये काम करने और इसी तरीके करने और इसके लिए आप अपनी पूरी जहानत को भी इस्तेमाल करें इज्जत इस वक़ात में भी इजाफा होगा ग्यारहवें घर का लॉर्ड अगर ग्यारहवें घर में है तो समझ लें कि आपकी वो खुशबी के दरवाज़े जो है कुदरत की तरफ से खुल गए अब मरकरी जो है ये चूंकि आपके फाइनेंस का भी लॉर्ड है सो फाइनेंस के हवाले से भी अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो आप अपने दोस्तों को जो है वो वहाँ पर इंगेज कर सकते हैं इसके अलावा आपकी ख्वाहत की तकमील होगी आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ फाइनेंस खर्चते भी नज़र आ रहे हैं और फाइनेंस आपके पास आती भी नज़र आती है दोनों चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी होंगी कोई दरीना रुकी हुई ख्वाहिशात भी आपकी जो है वो मुकम्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अब यहाँ से आ, दूसरी जो चीज़ बन रही है वो ये बन रही है कि पिछले दिनों भी मैंने कहा था कि मार्स के साथ आ, सन की जो है वो ट्राइन बनेगी और ये मार्स जो है ये आपके जाए के नावे घर का भी लॉर्ड है और चौथे घर का भी चौथा घर सबसे सब पहले डिस्कस करूँगा तो यहाँ पे ये आपके घर सवारी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और घर की तब्दीली के हवाले से कुछ बेहतर मवाक़े जो है वो आपको मिल सकते थे फैमिली से पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी इसके अलावा सुसालीजोक से भी सपोर्ट मिलेगी स्परिचुअलिटी में इजाफा होगा और स्पिरिचुअलिटी को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आप लोगों की मदद करने के तरफ जाएंगे फिर वीनस लियो में आ चुका है इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे अपलोड हो चुकी हुई है आप उसको देख सकते हैं इस वीडियो के बाद आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा मैंने उसमें भी बताया कि आपकी पर्सनालिटी में बड़ी ही चार्मिंग सिचुएशन जो है वो बन रही है और वीनस और मार्स दोनों की यहाँ पे मौजूदगी फैमिली और यानी कारोबार और घर दोनों तरफ से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं फैमिली आपकी अपनी हो सोशल फैमिली हो दोनों तरफ से बेनिफिट्स और उनके साथ ताल्लुक भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे इस तरह ये प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल मेल फीमेल के लिए यकसा जो है वो इन बेनिफिशियल जो है साबित होगा मास्क यहाँ पर मौजूदगी अब इसके साथ साथ दूसरी चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्लैमर कंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिज़िकल प्लेजर और अपनी जो सोल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी आप बेहतर करने की तरफ जाएंगे यानी अपनी रूहानी जो बलीदगी है उसकी तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा ना डेयरिंग हो रहे हैं यानी चूँकि सन की भी वहाँ पे पावर्स मिल रही हैं आपको तो आप चाह रहे हैं कि आप जो भी आप कह रही हैं जो आप कहना चाह रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से सुना जाए और उस पर ही अमल किया जाए अच्छा सोशल सर्कल भी आपका बढ़ रहा है बहन भाई जोकार आपका रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा सोशल एक्टिविटीज़ आपकी जो है वो काफ़ी बढ़ नजदीकी सफर होगा और सोशल आ, गेट टुगेदर का भी आपको जो है वो इन मौका मिलेगा दूसरी तरफ जुपिटर आपके पाँचवें घर का लॉर्ड होता है दसवें घर में मौजूद है बच्चे जो आपके बड़े हैं वो आपको कैरियर रोजगार में कुछ आपकी जो है वो हेल्प कर सकते हैं सेकंड ये कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बेहतर प्रॉफिट का असूल भी आपके लिए जो है वो मुमकिन होगा आ, बड़े फैसले इन शतव होंगे मरकरी के टेंथ हाउस में रहते हुए आपने जो प्लानिंग की थी अब उसके रिजल्ट मिलने की तरफ तो जो है वो आपकी बात ये चल पड़ेगी सेक्टर जायचे की एट्थ पार्ट में मौजूद है और मैंने आपको कई बार कहा कि छठे घाक के होते हुए सातवें गाकों में आठवें में ये स्पाउस और हेल्थ की तरफ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार कर सकता है ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना फिर प्लूटो ग्यारह जनवरी को ये सातवें घर से रिवर्स होते हुए आ जाएगा आपके जायचे के छठे घर में आप एक बार फिर आपकी हेल्थ इशूज़ जो हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट होकर तो बढ़ सकते हैं शरफ कमर होगा चौदह जून को मैं बताता चलूँ कि शरफ कमर ये हमारा बड़ा खास सब्जेक्ट था शरफ कमर दो की कुछ का खास वक्त और खास कमर लेकिन चूँकि पिछली बार भी मैंने देखा कि शरफ कमर जो है वो राहू के बिल्कुल सेम डिग्री पर राहू भी मौजूद है और तीन डिग्री पर राहू मौजूद है और दो डिग्री पर शरफ़ कमर है दो से तीन ऐसे वक़्त में ये उतना इफेक्टिव रहता ही नहीं है मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर फिर वीडियो कर दी यही वो फ़र्क है जो अलहमदिल्ला हमें दूसरों से अलग करता है कि हम इसको देखते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा भी कि नहीं इस वक्त क्या अमाल करने आपके लिए फ़ायदा साबित होंगे सो इसलिए पिछली बार भी आपको वीडियो नहीं दी गई इस पर भी देखा जाएगा अगर भी ऐसी पोजीशन बन रही हुई तो वीडियो दी जाएगी अदरवाइज़ आपको ये वीडियो जो है वो इस बार भी नहीं दी जाएगी उम्मीद करता हूँ इन मालूम की रोशनी में आप अपनी हफ्ते को बहुत अच्छा प्लान कर लेंगे आपके लिए बेहतरीन स्टोन इस वक्त रूबी याकूत आपके लिए इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो साबित हो सकता है बेहतरीन तो जमसों के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर पर रबा करके आप अपने लिए स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं इस उम्मीद के साथ जाना चाहूँगा कि आप इससे मुस्तिद होंगे तो अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को मेरी मीडिया टीम को जरूर याद रखें या आपका अपना चैनल है आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कोई राय हो कोई भी चीज़ हो कोई बात भी आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं इजाज़त चाहूँगा अल्लाफ मैं हूं शेख ज़बार रजा जावा आपका अपना अस्ट्रॉजर हमदर इज्जत की दुरु 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 सलाम, मुहम्मद मुहम्मद वर्गो वीकली होरोस्कोप 11 टू 17th जून आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा. गया उम्मीद करता करता हूँ बफज आप खैरियत से इस हफ्ते की इब्तिदा ही आपके लिए बहुत अच्छी है वैसे तो पहले भी आपका जो रूलिंग प्लान मरकरी है के नाइन्थ पार्ट में रहते हुए आपके विजडम में बहुत डेवलपमेंट कर रहा था ओवरसीज़ ट्रैवल के उसने मवाक़ आपको जो है वो मैसर किए और कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्परिचुअलिटी की तरफ आपकी मूवमेंट्स और नॉलेज गनिटी का जो एक कंसर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा अब जो मामलाते तो तब्दील हो रहे हैं वो हो रहे हैं ये आपके आ रहा है जाएचे के टेंथ पार्ट में सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट होगा वो उन लोगों को होगा जो कि ऑफिशियल हैं आपका अपना रूलिंग प्लानट अपने ही बुर्ज में आ रहा है तो ये आपकी तरक्की के चांसेस को कई गुना जो है वो बढ़ा देगा अगर आप इम्प्लॉय हैं और आ, आप स्पेशली अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको पावर और अथॉरिटी मिल सकती है आपकी बेहतरीन क्वालिटीज़ को जो है वो एडमायर किया जाएगा अगले दिनों में आप देखेंगे इसका जो मरकरी का यहाँ पे ट्रैवल ये तकरीबन तकरीबन कोई पंद्रह सोलह दिन का है ये पंद्रह सोलह दिन आपके सारा साल एक तरफ और ये पंद्रह सोलह दिन जो है वो एक तरफ ये आपको इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है वो दिलवाएगा और अगर आप अपना कोई बिजनेस करते हैं तो भी आपको नए एग्रीमेंट्स करने का मौका मिलेगा इज़्ज़त वकार में इजाफा होगा आप अपनी जो सेल्समैनशिप की क्वालिटीज़ हैं उनको कार लाते हुए आप अप बहुत अपनी तरक्की के जीने जो है वो तय कर सकेंगे नए एग्रीमेंट्स जो होंगे वो यकीन आपकी इज्जत वकार में भी इजाफा करेंगे और आपके कैरियर की जो ग्रोथ है उसमें भी आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद साबित होंगे अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपकी जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना जो आ, फोकस करने की जरूरत होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है अब इसको अगर आपने ओवर जो है वो ले लिया तो फिर प्रॉब्लम होगी अगर आपने इसको नॉर्मल लिया जो कि आपको एडमायर करना पड़ेगा कि ये ऐसी जगह पे आया है जहाँ पे आपको बहुत ही है हार्डशिप की तरफ नहीं जाना अपने रवैयों में अपने मामला में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है दूसरा बंदा आ, उससे आप जितनी गुफ्तु करेंगे वो उतना ही खुलता चला जाएगा और उतना ही आपके लिए भी फेवरेबल जो है वो होता चला जाएगा सीने के साथ रिलेशनशिप बहुत आपका अच्छा होगा बट ये जो सिचुएशन एक टाइम वर्गो वाले होते हैं डू एंड डाई के करना है या ख़त्म छोड़ दो नो इसकी तरफ नहीं जानना ये मैं आ, बड़े अरसे से मेरे तजर्बा में है कि वर्गो जब इस सचुएशन में आ जाते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो कह रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आप राइट हैं बट उसको करने में थोड़ी सी लचक का मुजारा करेंगे तो आपको रिजल्ट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर मिल पाएगा ये मेरी एक ओपिनियन है दूसरी तरफ आपके जो खाना माल का लॉर्ड है वो आपके जाइचे के बर्वे घर में चला गया ये आपको थोड़ा सा फियर का शिकार कर रही है आपको लॉस ऑफ वेल्थ की इंडिकेशन कर रहा है और ये आपको बैड एसोसिएशन की वजह से हो सकती है या अपोजिट सेक्स की तरफ से हो सकती है अब दोनों जो सेक्स uh, 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 जो है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं मार्स भी बारहवें घर में है वीनस भी वीनस जो कि फीमेल को शो करता है मार्स जो कि मेल को शो करता है तो ये आपके जाहिर के बारहवें घर में ये आपको थोड़ी सी इंडिकेशन इस चीज़ से की दे रहे हैं कि लॉस ऑफ आप वेल्थ आपने अगर बैड एसोसिएशन इख्तियार की तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी अदरवाइज ये ठीक होगा अच्छा चूंकि बारहवें का लॉर्ड भी आपके दसवें में आया हुआ है तो आपको पाकिस्तान से बाहर से बहुत कुछ गारंटी भी होगी आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें वहाँ से कुछ आप अगर यहाँ मंगवा रहे हैं तो आपको बड़े आप पैमाने पर जो है वो फ़ायद भी हासिल हो सकेंगे फिर यही बिनस आपके जायचे के नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है इमिग्रेशन के असूल में आपको हेल्प कर सकता है दोनों चीज़ें हैं जो इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है इमीग्रेशन के असूल में आपको जो है वो बेनिफिट मिल सकता है इसके अलावा अगर आप एजुकेशन के लिए भी पाकिस्तान से बाहर जाके स्टे करना चाहते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा सफ़र इनशा अब आपके लिए वसीला जफ़र साबित होगा जो कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से मुतलिक है दूसरी तरफ मार्स है जो कि आपके तीसरे घर का भी लॉर्ड है तो बहन भाई स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो भी और अगर कोई वरासती मामला चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा आ, आपके जाएचे के बार में घर जो है ये आ, मार्स की मौजूदगी आपके अगेंस्ट होने वाली जो प्रोक्सीज हैं उनको जो है वो रिप्रजेंट करें आपको आपसी असले से लड़ाई झगड़े से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से और आ, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा ठीक इसी तरह गुस्से की हालत में रिएक्ट फौरी तौर पे ना करें और ट्रेवल करते हुए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा जो है आपको ख्याल करना है तेज़ी जब मुकाबलेबाजी से आपको गुरेज करने चाहे आप कोई भी जो है वो ड्राइव करते हैं एक मोटरसाइकिल से लेके कर अगर आप एरोप्लन तक भी चलाते हैं तो इस चीज़ से आपको इस वक्त जो है वो गुरेज़ करने की ज़रूरत होगी आपके चौथे घर का हकम जाहिर के नाइन्थ हाउस में है ये एक अच्छा है आपकी फैमिली की तोज्जो आप या फैमिली के साथ अपने स्पाउस और फैमिली के साथ मिलके आप कोई जो है स्पिरिचुअल ट्रैवल भी कर सकते हैं इसी तरह रूहानी महफ़ल में जो है वो इन्वालमेंट आपकी वो भी बढ़ती मुझे नज़र आती है बच्चों का रिलेशनशिप बड़ा रहेगा पसंद की शादी होने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन होंगे हेल्थ के मैटर्स आपके जो हैं वो भी बेहतर होने जा रहे हैं चूंकि प्लूटो ग्यारहवें छठे घर में जो रेटोग्रेट था ये भी ग्यारह तारीख को निकल के आपके जायचे के पाँचवें घर में चला जाएगा तो इस तरह हेल्थ के ऊपर स्पेशली जो इम्पेक्ट आपकी टांगों के ऊपर आ रहा था और जो जॉइंट्स का पेन आपका चल रहा था उसमें कदरे आपको थोड़ा सा रिलीफ जो है वो भी मिल पाएगा ठीक इसी तरह मैं बताता चलूँ कि चौदह तारीख़ को जो है वो शरफ कमर होगा शफ कमर के ऊपर हम हर बार आपको एक वीडियो देते हैं शफ कमर दुआओं की कबूलीत का खास वक्त और खास पिछली बार भी वीडियो नहीं दी गई और इस बार भी मैं देखूँगा चूँकि ये एक ही डिग्री पर राहू मौजूद है तकरीबन और यानी तीन डिग्री पे वो मौजूद है दो से तीन डिग्री पे ही जो है वो आ, जो कमर का शर्फ होना है ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता बल्कि कई बार ऐसा होता है कि जो अमाल करने वाला है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक जो है वो साबित होती है तो पहले मैं देखूँगा माइट के आपको हम इस बार वीडियो दे दें अदरवाइज़ इस पर भी आपसे माजर चाहूँगा यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता चलूँ मैंने आ, वीनस इन लियो के ऊपर जो है ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हुई है चैनल के ऊपर आपकी सहूलत के लिए इसका लिंक इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा वो भी देख लीजिएगा आपके लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा चूंकि जो, जो है ना ये पाँच जून से लेकर तकरीबन अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा लियो में ही रहेगा और यहाँ पर इसको रेटोग्रेशन भी होनी है सारा कुछ मैंने इसमें बताया किन किन ब्रुज वालों के लिए क्या इम्पेक्ट होगा रेटोग्रेशन में आपको किन चीज़ों से जो है वो मुहतात रहना है ये फिर मैं एक इंडिकेशन कर दूँ आपको इसकी रेटोगेशन आपको ज़ेनी तौर पे प्रॉब्लम का शिकार कर सकती है और जो मैंने कहा बैड एसोसिएशन वो भी और फाइनेंसल रिलेटेड मामला भी आपके डिस्टर्ब होंगे सो so, उस वीडियो को देख लीजिएगा और एहतियाती तदाबीर जरूर तैयार कर लीजिएगा उम्मीद करता तो हूँ इन मालूम की रोशनी में आप अपने हफ्ते को बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे इस वीडियो से मुस्तित होगा तो अपनी दुआ में याद रखिएगा चैनल आपका अपना है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पुश करके तो आप दोबारा वीडियोज़ ले सकते हैं

ठीक हो जाती हैं लेकिन कई बार कोई एक ऐसी चीज़ भी होती है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है मिसाल के तौर पर मरकरी आपके जायचे के एट्थ पार्ट में मौजूद रहते हुए इसने आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ, उसका बायस बना चूंकि ये नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है तो सोशल बहन भाई हायर एजुकेशन ओवरसीज़ ट्रैवल और चूँकि बारहवें घर का भी लॉर्ड है तो बैरून मुल्क से वाबस्ता आपके जो मफादात थे या जो इमिग्रेशन से मुतलक मामला थे उसमें इसने आपको जहनी दबाव का शिकार रखा फिर चूँकि एट्थ हाउस में था तो ओवर थाटिंग जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनी दूसरा सा वस्ता जो आपके मफादात थे उसमें भी एक इस, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स रही और इसने आपकी हेल्थ फैक्टर को भी जो है वो डिस्टर्ब किया अलहमदिल्ला ग्यारह जून को ये मरकरी यहाँ से निकल के जाहिर के नाइन्थ वार्ड में चला जाएगा इस तरह आपके बहुत सारे जो मैंने पहले जिक्र किया उन मसाइल का इन खात्मा हो जाएगा नाइन्थ हाउस में इसका आना इसका मतलब है सन ऑलरेडी यहाँ पे आपकी जो ओवरसीज़ और स्पिरिचुअलिटी से मुतलका मामला थे उसके ऊपर आपको फोकस करवा रहा था अब मरकरी की वजह से जो प्रॉब्लम थी रुकावटें थी वो ख़त्म हो रही हैं और अब आपका ओवरसीज़ का ट्रैवल जो है वो खुल रहा है अब जरा सा अगर आप इसको समझ लें कि मरकरी का ट्रैवल यहाँ पे जमनाई में जो कि इसका अपना बुर्ज है यहाँ पे तकरीबन पंद्रह से सोलह दिन का है अब आपको ओवरसीज़ से मुतल अपने वाबस्त जो मफादत हैं उसके हवाले से अपने सुसाली जो के हवाले से अगर आप हायर uh, एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उसके हवाले से अगर आप स्परिचुअलिटी के हवाले से कुछ ट्रैवल करना चाह रहे हैं अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई बिज़नेस के हवाले से जो है वो करना चाह रहे हैं ट्रैवल तो आपके लिए ये टाइम है जब आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं आप ट्रैवल कर सकते हो और ये करके आप बेहतरीन रिजल्ट जो है वो इससे वाबस्था वो आप हासिल कर सकते हैं सो so, ये टाइम है जिसको के आप जो है वो कैश कर सकते हैं दूसरी तरफ आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो है आ, वीनस वो जाइचे के ग्यारहवें पार्ट में आपकी गुडलक में इजाफा कर रहा है आपका जहाँ पे ओवरसीज़ ट्रैवल और स्परिचुअलिटी हायर एजुकेशन सोसाइटी कारब की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा है वहीं पे आपकी दूसरी तवज्जो चूँकि दो जगह पे आपका चल रहा है ना सन जहाँ पे वहाँ तो ऑलरेडी ग्लो है लेकिन आप ख़ुद जहाँ पे आपका अपना प्लेनेट जो है वो प्लेसड है उसकी तरफ आपकी तवज्जो जो बढ़ेगी पिछले हफ्ते आ, वीनस यहाँ पे आ चुका है और आप अपनी ख्वाहिशत की तकमील के लिए बहुत ही डिटर्बेंट है और अब आप अपने मामला को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं अब चूंकि ये स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड यहीं पे है जो कि आपकी फाइनेंस रिलेटेड तो आप अपनी ख्वाहिशत की तकमील के लिए एक अच्छा खासा पार्ट अपनी फाइनेंस का या अपनी सेविंग का जो है वो इस पोर्शन में खर्च कर रहे हैं और जो कि इन आपके लिए सूद साबित होगा गैवें घर में ये चूँकि यहाँ पे आपके गोल्स हैं आपके अचीवमेंट्स हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से भी ये बड़ा अच्छा टाइम है कि आप इस वक्त जो है किसी चीज़ों कुछ चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए इनशाला बहुत अच्छी रहेगी उसके बाद यही जो है ये आपके सातवें घर का भी लॉर्ड है मार्स मास् चूँकि सातवें घर का लॉर्ड होता है ग्यारहवें तो आपके जो मुश्तरक जॉइंट एडवेंचर में काम जो आप करेंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और माइट आपका स्पाउस या आपका वर्किंग पार्टनर जो है वो मिलके आपके गोल्स की टारगेट्स जो हैं वो उनको अचीव करने में आपको हेल्प करेगी ग्यारहवें घर कर का जो वीनस है ये पसंद को बड़े फ़वाद जो है वो उससे की वजह से आज मदी की बात कर रहा हूँ यानी अगर आप कोई कोई चीज़ों के बारे में आपने दुनिया के मामला की बात करो अगर आपने कोई चीज़ टारगेट की हुई थी घर सवारी प्रॉपर्टी लग्जरी की आइटम्स जो हैं जो आपने प्लान की हुई थी अब उसके असूल में आप कामयाब होंगे फिर आपको ऐसे लोगों से बेनिफिट मिलेगा जो कि ऑलरेडी जो है वो माशरे में एक एलिट क्लास के तौर पे जो है वो पहचाने जाते हैं तो ये इस हवाले से ये तमाम सेक्टर आपके जो है वो ग्रो अप कर रहे हैं और बड़ी अच्छी साइड पर जा रहे हैं दूसरी तरफ तीसरे घर का हक हाँ का जो है वो जाएचे के एटथ पार्ट में स्टिल मौजूद है और इसने यहाँ पे बहुत टाइम जो है वो रहना है ये बता रहा है कि आपके बड़े भाइयों के साथ कुछ अखलाफात जो हैं वो आ सकते हैं ये फैमिली के कुछ मेंबर बहन भाई स्पेशली उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं ठीक इसी तरह आपको अपनी हेल्थ जो है उसका भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कुछ छठे घर का हाकिम होते हुए ये एटथ पार्ट में आ रहा है तो खुदा नास्ता खुदा नखास्त ये कुछ ऐसी डिजीज़ को डेवलप कर सकता है जो कि पहले नहीं थी या कुछ जो कि लॉन्ग टाइम जो है वो आपके साथ चल सकते हैं तो इधर आपको थोड़ी सी आ, फोकस करने की ज़रूरत है शादी मंगनी दोनों तय पाने के इम्कान आपके बहुत ज़्यादा रोशन होंगे अभी भी और बाकी चीज़ें भी आपकी इन बड़ी अच्छी और स्मूथ साइड पर जो है वो चल रही हैं आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है वो ओपल है डायमंड है इसके अलावा आप अपनी गुड लक को बेहतर करना चाहें तो या और ट्रैवल में आप करना चाहें तो फिर आपको जूबी जो पहनना है वो भी बड़ा आपके लिए साबित होता है बेहतरीन जम के लिए आप हमारी वेबसाइट जावा जम डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं और आ, आ, इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर पर रबा करके भी अपनी स्टोन ले सकते हैं जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ ये जनरल है इंडिविजुअल आपके बर्थ चार्ट में प्लान्स की प्लेसमेंट क्या थी एट द बर्थ टाइम वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस चीज़ को तय कर रहा है कि जो प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन में आए हैं वो आपको कितना बेनिफिट देंगे और आपके उस वक्त अपनी प्लैनेट्स कहते हैं अगर वो भी अच्छी प्लेसमेंट में थे तो ये प्लैनेट कई ये प्लैनेट कई गुना बढ़ा के आपको जो है बेनिफिट्स देंगे लेकिन अगर वो नेगेटिव थे एट द दा बर्ड टाइम तो इनके रिजल्ट्स में कुछ कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है सो तो इन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर रबा करके तो अपने लिए अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं इस उम्मीद के साथ इजाज़ चाहूँगा कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी आप इस सब मुस्तफ होंगे तो अपनी दुआ में जरूरियात कीजिएगा इजाज़ चाहूँगा अल्लाह हाफिज़ असल मैं हूं शेख जवा जावा आपका अपना एस्ट्रोलॉजर स्ट्रॉजर अहमदा इज्जत की इधर उम्मीद स्कॉर्पियो वीकली हॉरस्कोप अलेवन टू सेवनटीथ जून आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा स्कॉर्पियन उम्मीद करता हूँ हज़िल ताली आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ परवरदिगार आप सबको अपनी आवाज में रखे वीकली हॉरस्कोप में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है कि आपके प्लैनेट्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं और उसमें मूवमेंट्स क्या आ रही हैं तो सबसे पहले तो प्लेसमेंट की बात करूंगा आपका अपना रूइिंग प्लान चेक टेंथ पार्ट में मौजूद है और ये इसके लिए बड़ा अच्छा है एक तो लियो में है अरूज का घर है दूसरी बात ये कि यहाँ पे टेंथ फार्मेशन में मार्स ऑलरेडी बहुत अच्छा जो है वो काउंट किया जाता है फिर पिछले दिनों यहीं पर जो है वो वीनस जो है वो भी आ चुका है मैंने वीनस इन लियो के ऊपर वीडियो भी बनाई भी और आपके लिए मैंने उसको अपलोड भी कर दिया हुआ है चैनल पे उसको जरूर देख लीजिएगा आपको उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेंगी आज की वीडियो में भी बात करेंगे सन सॉरी मार्स और वीनस दोनों का टेंथ हाउस में मौजूद होना दो चीज़ों की वाज निशानदी है सबसे पहली बात कि आपकी एफर्ट्स आप अपनी कोशिशों को अपने कैरियर रोजगार के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं आपका फोकस्ड है यहाँ पर दूसरी बात आप वीनस की वजह से बड़ी कामयाबियाँ इनशाला इन शेट सकेंगे और स्पेशली वो लोग जो कि किसी भी तरह से जॉइंट एडवेंचर में काम कर रहे हैं मिल के काम कर रहे हैं कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या किसी और को साथ में ऐड किया हुआ है तो फिर आपके लिए ये बड़ा ही इन बेहतर साबित होगा इसके अलावा वीनस चूंकि आपके जायचों के बारहवें घर का भी लॉर्ड है तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो शो करता है आपका कोई दोस्त कोई अहबाब जो है वो पाकिस्तान से बाहर अगर मुकीम है तो वो आपको बिज़नेस में सपोर्ट कर सकता है यहाँ पर आपको मिल सकती है इसके अलावा इसकी एक इंडिकेशन और भी मिलती है और वो ये होता है कि अगर आप कोई काम करते हैं इम्पोर्ट का तो उसमें भी आपको जो है वो कामयाबियाँ मिल सकती हैं वीनस जब टेंथ हाउस में होता है तो ये आपको बड़ी कामयाबियों में हिसाब का करवाता है नेम फेम और सडन गेन अनएक्सपेक्टेड और ये गेनटी जो होती है जितने भी आपको मफाद मिले होते हैं इसका डायरेक्ट तल्लुक जो है वो मदियत के साथ होता है अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके तीन एंगल हैं एक तो वो जो बिजनेस कर रहे थे उनके लिए मैंने बता दिया दूसरा वो जो जॉब पर्सन है अब ये चूंकि मार्स आपके जायचे के छठे घर का भी हाकिम है और दसवें घर में जाके अच्छी पोजिशन में आया है तो ये जॉब से रिलेटेड आपके मसाइल को जो है उसका ख़ात्मा करेगा दूसरी बात ये तरक्की के जीने तय करवाने में आपको जो है वो मदद देगा और आप अपने सीनियर के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए अपनी तरक्की के जो रास्ते हैं उसको हम बार करते जाएंगे और ये इस वक्त आपको तरक्की मिलने के इम्कान बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोशन होंगे तीसरी चीज़ अगर आप फिर मैं वन सकेंद वहीं पर आऊँगा ये बल्कि दूसरी का पार्टी है अगर आप खुद होली सोली जो है वो अपना काम लेते हैं तो आपको अच्छे एम्प्लॉय मिल सकेंगे अच्छे एम्प्लॉयज़ मिल सकेंगे जो कि आपको फिर आप लोन लेना चाहते हैं अपने कारोबार के लिए तो उसमें भी आपको जो है कामयाबी इनशाला मिल सकेगी अब इसका तीसरा रुख है वो जो खतानी हैं हमारी बहनें बेटियाँ जो कि हाउस वाइफ हैं आपके रिलेशनशिप जो हैं वो अपनी मदर इन लॉ के साथ स्पेशली जो है वो बहुत ही अच्छे होते चले जाएँगे चूंकि ये दसवां घर आपकी मदर इन लॉ से रिलेट करता है आपकी सुसाल फैमिली है जहाँ पे वो लोग रहते हैं अगर आप सेपरेट रहते हैं तो जॉइंट फैमिली की मैं बात नहीं कर रहा जॉइंट फैमिली में तो सिर्फ मदर इन लॉ से रिलेशनशिप आपके बेटरमेंट की तरफ आएंगे और अदरवाइज आपके पूरी फैमिली के साथ तो यहाँ पे आपको ये बड़े बेनिफिट्स जो है वो इन शह मिल पाएंगे अब इससे एक स्टेप आगे चलें तो जो इस हफ्ते होने वाली जो चेंजिंग है उसमें मरकरी है जो कि आपके जायचे के आठवें घर का लॉर्ड है ग्यारहवें घर का लॉर्ड है ये आपके जायचे के सातवें से उठ के आठवें में जा रहा है नॉर्मली आठवें घर में प्लैनेट्स बहुत अच्छे नहीं होते लेकिन मरकरी वाहद वो है जो मैं कहूँगा कि आठवें घर में जाके भी आपको कुछ बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है ये बड़ी इसकी ड्यूल किस्म के होंगे सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये डीप डाइव करवाएगा डीप थाट्स करवाएगा यानी आप अपनी मिजाज के अंदर जो है वो बहुत गहराई तक जो है इस चीज़ों को स्टडी करेंगे आपकी थाट्स होंगी अपनी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से आपकी थाट्स होंगी अपने गोल्स के हवाले से जो आप काम करना चाह रहे हैं जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप जो है उसमें गहराई में सोचेंगे ताकि मसाइल को हल करने की तरफ जाए वो आप जा सकें दूसरी चीज़ ये चूँकि आठवें घर का ही लॉर्ड है तो वरास्ती और मुश्तरक माली मफादा के हवाले से आपको कुछ बेनिफिट्स जो है वो दिलवाएगा तीसरी चीज़ ये आठवां घर है तो आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है अगली चीज़ों की तरफ आप जो है वो मूव ऑन होंगे यहाँ से अब आपके जो थॉट्स आएंगी उसमें से आप कुछ प्रोसेस करके तो अगली तरफ जाएंगे और ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस भी नहीं है ये मैक्सिमम जो है वो पंद्रह सोलह दिन मरकरी यहाँ पे काम करेगा और बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ से गुजरेगा अब जो आपने यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि अपनी जो जो, जो सोचे हैं इनको कंपाइल करना है इनको एक जगह आपने इकट्ठा करना है परेशान नहीं होना बल्कि इसको इकट्ठा करना और इसमें से रिजल्ट आपने निकालना है फिर आठवा घर जो है वो आपकी क्रोनिक डिजीज़ का भी है यानी जो पुरानी कोई आपकी आ, जो है वो बीमारी है कोई मसाइल हैं फिजिकल कोई प्रॉब्लम है तो अब सन जब यहाँ पे आया हुआ था तो इसने वहाँ पे आपको लाइट दी कि यहाँ पे आपको फोकस करना है यहाँ पे आपको तवज्जो करनी है अब मरकरी चूँकि अपने ही घर में आया है तो यहाँ पे ये आपको वे आउट दिलवाएगा ये आपको रास्ता बताएगा कि आपने इसमें से कैसे निकलना है ये कुदरत का फिर मैं कहूँगा कि बड़ा ही हसन और ख़ूबसूरत एक इमतज़ाज है जिसको समझना जो है वो हर बंदे के बस की बात नहीं जितना जितना मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ उतना उतना सर धुनने को दिल करता है कि कमाल है कुदरत ने ऐसा आला जो है वो इंतज़ाम किया हुआ अब हम थोड़ा सा इससे साइड पर भी चलते हैं सेक्टर जो कि आपके जाइचे के तीसरे चौथे घर का लाडा या आपके जायचे के पांचवें घर में खड़ा है जो कि आपके सोशलिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे घर की वजह से आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एजुकेशन आपकी एफर्ट्स और आपकी घर सवारी प्रॉपर्टी और फैमिली या मुशरा जिसमें से आप उसमें से जुपिटर आपके जो है ये सेकंड पार्ट का भी लॉर्ड है और जुपिटर पांचवे का भी लॉर्ड होते हुए सातवें घर में जो है मौजूद मौजूदा फाइनेशियल रिलेटेड मामलाते एक से जायद कामों में आपकी गुड लक जो है वो दे आपकी सूझबूझ है अब जो आपकी जो सोचे थी अब वो प्रैक्टिकल की तरफ जो है वो आ रही हैं बच्चों से आपको बेनिफिट मिलेंगे आप माली लिहाज से जो अगले स्टेप की तरफ जाएंगे अपने अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपने रिलेशनशिप को मज़ीद जो है प्रैक्टिकल बेस पे आप बेहतर करेंगे पोलाइट होते चले जाएंगे फिर चूँकि पांचवा और सातवा घर दोनों डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया तो मैं ये कहूँगा कि आपकी शादी तय आप पाने के इम्कान भी रोशन होंगे और चूंकि हमारे माशरती लिहाज से वैसे भी अब ये ये दिन है जब बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तेज़ी पकड़ जाती हैं जैसे ईद के बाद चूंकि मुहर्रम आ जाना तो ईद भी अब करीब है तो लोगों का ये तोज्जो होती है कि भाई अच्छा ये काम जो है ना वो अब निमटा लिया जाए इनको वाइंड अप कर लिया जाए अगर कहीं कोई इंटरेस्ट है तो उसको शो किया जाए कोई इन्फॉर्मेशन है कोई मामलत को पेंडिंग किया था तो उसको कम्पाइल तो ये आपको सब लेके जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले आ, कुछ दिनों के बाद सेटल नहीं होना है रेट्रोग्रेड सो आपको चाहिए कि पाँचों घर से रिलेटेड जो मामलात हैं आपकी लव लाइफ आपकी मंगनी बच्चों से रिलेटेड मामला आपके स्केल बारह से चौदह की एजुकेशन इस तरह के जितने मामलात हैं या घर सवारी प्रॉपर्टी की तब्दीली खरीदो फरोख्त उनको अब निपटा लेना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी होगा अब एक बार फिर हम जंप करते हैं सन के ऊपर आते हैं जो कि एटथ पार्ट में मौजूद है सन आपके दसवें घर का लॉर्ड है इसने कारोबारी लिहाज से आपकी सोच को जो है वो थोड़ा सा पहले फियर का भी शिकार हुए आप प्रॉब्लम की तरफ भी आए लेकिन फिर वही सोच में गहराई पैदा की अब मार्स और वीनस वहाँ पे आ जाएंगे लेकिन मैं अभी भी आपसे कहूँगा इसका एक पहलू और भी है और वो ये है कि आपने परेशान होने की बजाय इस चीज़ पे फोकस करने के बजाय कि ये क्या क्यों कैसे आपने उसमें से निकलने की कोशिश करनी है हर इतवार को एक किलो या दस किलो गंदम या दाल चने का सबका हसब तफीक जो है वो दीजिए और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा अगर आपके कोई आ, कानूनी मामला चल रहे हैं कोई केसेस चल रहे हैं स्पेशली अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रही है तो इसको फ़िलहाल लिंगर ऑन करना या इसको पेंडिंग करना इसको आगे की तरफ लेके जाना ये आपके लिए बड़ा ही मुनासिब होगा इस वक्त अगर आप इसको फाइनल करने की तरफ जाएंगे चूँकि मरकरी साथ में कुछ कानूनी टेक्टस भी आपको बताए जाएंगे मैं ये कहूँगा उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा इसको फिलहाल लिंगर ऑन कीजिए अगले हफ्ते में सन इन मैं आपको बताऊँगा कि अगली तरफ जा रहा है कब जा रहा है तो उसके बाद आप इन चीज़ों को जो है वो लेके चल सकेंगे आपके लिए बेहतरीन स्टोन हमेशा की तरह आ, मरजान है यानी कि कॉरल और इसके अलावा गार्नेट आप पहन सकते हैं ये आपके लिए इन शाला बेहतरीन होंगे ये पर्सनलिटी ट्रेड्स के हवाले से है मैं आपको बताता चलूँ किसी और काम के लिए अगर स्टोन पहनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रबा करके कर आप अपने लिए एडवाइस करवा सकते हैं ठीक इसी तरह ये जनरल इन्फॉर्मेशन है इंडिविजुअल इन अपने बारे में जानने के लिए आपके लिए बर्थ चार्ट बनवाना जो है वो जरूरी होता है सो कोई मशवरा करना चाहिए व्हाट्सएप बनवाना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए इस वीडियो के बारे में अपनी राय से जुरा ग कीजिएगा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन होता है पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोबारा हमारे चैनल पे आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कीजिएगा जैसा अल्लाह हाफिज़